आज तो सुबह सुबह ही बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, रेस्क्यू पे जा रहे हैं ये लोग। फिर हमारा जो बैल है नैनो बीमार हो गया है, तो हॉस्पिटल से मेडिकल टीम उसको देखने आई है। बुली ना हमें डरा रहा है, वैसे ठीक है ये अब, लेकिन मोरिंगा हीट में है और जो भी मोरिंगा को चेक करने जा रहा है ये अग्रेसिव हो रहा है, बुली पीछे रहे। मेरी थ्योरी ये कि बुली ने मोरिंगा के चक्कर में इसको मारा, फिर ये उठ नहीं पाया, वहीं इसने यूरिनेट कर दिया, ये गीला हो गया और इसका टेम्प हो गया। लो बाकी अब डॉक्टर तरन बताएंगे। हमने वो शेर खान का नाम रख दिया बघीरा, उससे मिलवाऊंगा। उससे पहले मैं आया हूँ हॉस्पिटल, यहाँ पे एक केस आया है ट्यूमर वाला। ये दांत नहीं है, बूढ़ी सी है, बूढ़ी सी है, इसको इतना बड़ा ट्यूमर है। हमारे यहाँ पहले एक बहुत बड़े ट्यूमर वाली डॉग आई थी घंटी, तो हमने इसका नाम रखा है छोटी घंटी। लेके गए थे डॉग दिखवाने के लिए ना, और उसके बाद कुछ हो नहीं पाया, तो वहाँ पे डॉक्टर था ही नहीं, तो सरकारी व्यवस्था का क्या ही कहना। ठीक है अपन देखते हैं हमसे जो हो पाएगा, आगे तो भगवान के हाथ में है। हमारे एक आर्टिस्ट डॉग भी है, ये शेरनी, इसकी कहानी ज्योति को पता है, पर मैं आपको इसका आर्ट भी दिखाता हूँ। पूरे जो स्क्रैच दिख रहे हैं ना, ये देखो ये तो स्क्रैच करेगी। आपने कौन सा उसको क्रेयॉन लेके दे रखे हैं, बहुत शैतान है। हेलो, इस समय सारे फ्रेंडली डॉग्स हैं। बुली जो पूरे शरीर पे घाव थे वो देखो पूरे हील हो चुके हैं। तो बुली का तो अडॉप्ट करना पड़ेगा, अबैंडन ब्रीड डॉग। हाँ जी, अबैंडन तो कोई भी डॉग हो उसको अडॉप्ट ही करना पड़ता है। याद है आपको बूली, जिसके लोगों ने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो हस्की डॉग ले आए थे। अब बूली पहले से बहुत बेटर है, स्किन पे जरा जरा से पैचेस बचे हैं, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और इसके लिए हमें घर चाहिए। बूली कह दे रिक्वेस्ट कर दे लोगों से कि मेरे लिए घर ढूंढ दो। मैंने आपको बताया ना हमारा ये एरिया नया बना है, अभी कैनल से बाहर आई है, तो इसको कि मैं घूमूं। अब मैं बाहर आया हूँ, मुझे आपको मिलवाना है तिलक से। उस दिन ब्लॉग में बताया था ना जब हमारे यहाँ तोता आया था और ज्योति कह रही थी कि वहाँ पे कान कटा हुआ बैल आया है। ये रहा, कितना सुंदर है ये भी ब्लैक एंड व्हाइट है। बाबू तेरा कान काट दिया किसी खराब बंदे ने। मैं तो अभी जा रहा था फार्म वापस, अभी तो बस काट के सूखने के लिए रखा है धान, और आलू की तैयारी पहले शुरू हो गई है। तो आलू अपने बीज बचा के रखा था, हमारा तो बचा नहीं बिल्कुल भी। तो आपने किस में रखा था बीज बचा के, रेत में कैसे रखा? तो बरसातों में खराब नहीं हुआ? अच्छा दवाई लगाई थी, तो हम दवाई लगाते नहीं इसलिए खराब हो गया सारा। मैं बघीरा को वॉक पे लेके आया हूँ, मुझे था कि भाई इसके लिए एक स्टोरी भी बना लूँ ताकि अडॉप्शन हो जाए, फिर इसके लिए कुछ फोटो भी खींच लें, पर छोटे छोटे दोनों बच्चे इसमें इंटरेस्टेड। आओ मिल लो, बहुत फ्रेंडली है। नहीं नहीं खाना खाएगा, आपको क्यों खाएगा, नीचे बैठो। हाँ कितना प्यारा है ना, कितना सही लग रहा है ना, छोटे बच्चे बड़ा डॉगी। ये किसी ने छोड़ दिया यार, तो अब हम इसके लिए घर ढूंढेंगे ठंडी जगह पे। ये जो छोटे बच्चे हैं जिनसे आप लास्ट ब्लॉग में मिले थे जो गार्डनिंग कर रहे थे, इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करा दी, बघीरा की अडॉप्शन स्टोरी भी बनवा दी, और मैं आपको इनका गार्डन भी दिखाता हूँ। इन दोनों ने इसको अच्छे से पेंट करके फेंस भी लगा दी है, अब हम इसको फिर से रनिंग कराएंगे। चल चल मेरे टैंक छोटे, आजा चल 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 चल। थक गया, थकाना जरूरी है भाई डॉग्स को, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं थका सकते तो ट्रेन करके थकाइए, जब उनका दिमाग चलेगा ना ट्रीट पाने के लिए तो थकेंगे वो। मैं कहीं भी हूँ मेरा घर आने का बड़ा मन करता है, क्योंकि घर में है हमारे चटोरी, स्पॉट, झिलमिल, चंबी, चाहे जितने सड़ गए पर हैं अपने। कल नैनो की जो तबीयत खराब हुई थी ना, तो उसके प्लेटलेट्स कम आए हैं, तो या तो अब हम उसे प्लेटअप करके एक सिरप है वो दे सकते हैं, या हम दे सकते हैं ये पपीते के पत्ते। तो ये के पपीते के पत्ते बैठ के खाएगा वो? नहीं नहीं सर, मिक्सर में डाल के इसका पूरा जूस बनाएंगे। नैनो ने कल मजे से किया है, मुंह पाया उसने। ये हम आपको दिखा सकते हैं, पर नेहा ने ना बुलाया नहीं, जबकि इसको कह रखा है कि कुछ भी हो हमें बुला लिया करे। अब वो नैनो का जूस टाइम है, हाय सरगम, पर मैं ऐसे वहाँ खाली हाथ नहीं जा रहा, नहीं फिर टोफू भी देखेगी कि भाई नैनो के लिए जूस मेरे लिए क्या है। मेरी मम्मी को फिल्में देखने का बड़ा शौक था, तो जैसे वो और पापा फिल्म देखने गए होते थे, देखना ये सब आ गए। अरे हटो, अरे यहाँ तो छीना झपटी हो गई है भैया, ये मेरे पीछे देखना पूरी रेल ही आ गई है। अरे 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 देखना, भोला आके देता हूँ मैं जो कह रहा था, वो देखने जाते थे मम्मी पापा जिसमें हम नहीं जाते थे, तो जब भी वो घर वापस आती थी तो कुछ ना कुछ लेके आती थी कि भाई खाली हाथ घर नहीं जाना। मैं अपनी मम्मी से सब कुछ तो नहीं सीख पाया, पर जो कुछ मैंने सीखा मम्मी से ही। अब जब नैनो को मिलेगा जूस, तब टोफू एंड कंपनी को मिलेंगे केले। ये गेट अच्छा है ना, जैसे यू नो बचपन में पार्क में होता था, हम इधर से आ जा सकते हैं, गाय नहीं आ सकती अंदर। ये ले भाई, ये ले बोली। अरे 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 हाँ मोरिंगा जी, चलो जी हटो 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 हटो, मुझे जाने दो, मुझे आज पड़ेगी किसी ना किसी आने में से। तो हटो, टोफू और मैं ना बेस्टीज थे,
लेकिन फिर इसने नए दोस्त ढूंढ लिए क्योंकि मैं बिजी हो गया। तो भाई आई कांट कंप्लेन ना कि आप बिजी हो गए, पुराने दोस्त कोई और दोस्त ढूंढ ले तो आप उनको ब्लेम करो। आहा नैनो, बस हो गया, दो दिन में सही हो जाएगा। भैया नैनो का कोई भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा भी ना हो ना कि नैनो ठीक हो गया, हम तीनों अस्पताल में हैं। एक सिप इसको दे देना जस्ट, ताकि एंड में थोड़ा पता लग जाएगा, थोड़े प्लेटलेट हमारे बच्चे के बढ़ जाएंगे। ये ले, चल पी ले, इतना तो पी ले। आहा नहीं, टू हेल्दी है ये तो, टू हेल्दी है। अब देखो टोफू तो पी रही है यार, उसके नखरे हैं। ए बूली को भी यार करा दो आप उसको। नैनो ने पी लिया मजे से, बूली मुझे घूर रहा है, मैं टोफू को बाय कहने आ रहा हूँ। पी लिया थोड़ा सा हेल्दी जूस है। दो केले बचे हैं मेरे पास, मैं किचन से कुछ देखता हूँ, फिर वहाँ पे होला और जो बाकी का गैंग है उन्हें देते हैं। अंधा क्या मांगे दुआ के, हमारे विजिटर आए हैं। आर दीस फॉर एनिमल्स? या। ओके परफेक्ट, थैंक यू। आ जाओ। मैं यही कह रहा था कि मेरे पास दो केले हैं। दौलत राम जी वॉलंटियर करोगे मेरे साथ, ये जरा पकड़ लो यार सामान। आ गए सारे के सारे। ओ बेटी जी आज बेटी जी योगा कर रही है। ले 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 सरगम दो भाई, दो दे दो, दे दो दे दो दे दो, भोला को दो। बेटी जी सहारा, अरे राजकुमार और अहिल्या ले भाई श्रीलू। चूचू ये ले भाई, तू भी ले ले, कैप्टन को भी नहीं मिला। ले बेटा ले ना यार, तू तो इतनी देर लगा रहा, इतनी में तो कोई आ जाएगा। आज तो भैया सैटरडे वाली पार्टी हो रही है। विपिन भैया जी केला ही उखाड़ लाए हैं पूरा। भैया ये मेरे को दराज से आपके डर ही लग रहा है, हमारी गाय के बड़ी पास है। मुझे तो ये नहीं पता लोगों ने जो गाय बैल पाले होते हैं कसाईयों कैसे बोलते थे। अरे 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 भोलू बोला मोटा मत काटो यहां। काटने यार खाएगा तू। मेरी ज्योति से 12 बजे मीटिंग है, उससे पहले कल कोई नए रेस्क्यूज आए। ये ओ ये तो वो है ना जिसका पैर की हड्डी निकली हुई है, कुणाल बता रहा था। एक और भी तो आया जो बड़ा शरारती है, तंग कर रहा है, इसका नाम हम रखेंगे हड़कंप। मेरे को तो इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, इसकी रस्सी की पहुंच में हूं मैं। ये देखो मेरा होता ये वो है आफत। मैंने कहा यार इसका तो रस्सा वो नहीं है, फ्रेंडली हो गया होगा, रस्सा चेंज कर दिया क्योंकि लाल रस्सी है, पर उसकी पर्सनैलिटी सेम है। अभी तो मैं गया था यार बघीरा को कोई अडॉप्ट करना है। लेट्स सी, अभी मिलते हैं, नेहा इंटरव्यू लेगी। कई भाई लोग नाराज हो जाते हैं, कुत्ते के हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, हमारी तो शादियां हो जाती हैं बिना इंटरव्यू के। बांधते तो है दिन में, मतलब जैसे कि कोई आ रहा है मतलब दिन में ना, डरते भी हैं तो मतलब पड़ जाते हैं, मतलब रात को तो हम छोड़ देते हैं, तो सुबह जैसे आ जाते हैं या फिर दिन भर बंधा रहे बंधे रहते हैं फिर। नहीं नहीं, दिन पे आके सो जाते हैं, जैसे कोई आ रहा हो तो हम बांध बूंद देते हैं, जैसे भोंगते हैं। ठीक है मिलते हैं यहीं से। देखो कौन मिल गया है, ट्रीट्स लाए आपके लिए ये। हाँ कुछ नहीं करेगा प्यार। तो आपने अभी तक जो सबसे बड़ा डॉग है वो कौन सा पाला है? तो हमारे पास भी वैसे, हम तो वैसे शेफर्ड ट्राइब से ही हैं, तो हमारे पास गद्दी लोग ही हैं अभी। हाँ जी हाँ जी। मैं आपसे कुछ ना स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। प्राइमरी केयर गिवर कौन होगा इसका? चार बहन भाई हैं, हम ही हैं और चाचा चाची हैं और मेरे मम्मी पापा हैं। तो इनमें तो घर पे मतलब दो या तीन तो हमेशा रहते हैं। रात को सोएगा कहाँ पे ये? हम इसके लिए शेड बनाएंगे गाय के साथ में, ऑलरेडी हमारे पास जगह है, और बाकी जरूरत पड़ेगी तो हम शेड भी बना लेंगे, ऐसी कोई हमें आपत्ति नहीं है। मतलब खाना आपने कहा घर वाला जो आप खाते हैं वही है, मतलब रोटी दूध लस्सी वगैरह अपना ही होता है सब कुछ, लस्सी वगैरह। वेटनरी फैसिलिटी वहाँ पे क्लिनिक है? क्लिनिक है। कभी ऐसा होता है कि आप लोग पूरी फैमिली वेकेशन पे गई है? ऐसा कभी नहीं, वेकेशन पे जा ही नहीं सकती क्योंकि भेड़ बकरी गाय वगैरह। हमारे को इसलिए इंटरव्यू लेना होता है कि ऐसा ना हो कि कोई चीज आपने ना सोची हो, दिमाग से निकल जाती है तो आप सोच लो, आप इस सिचुएशन में ना आ जाओ कि यार मैं इस कुत्ते का क्या करूं, है ना, हमें तो ये देखना होता है। कुणाल को बघीरा ने रोक लिया है। बाय द वे आपको पता है हमारी जेल का हमने दरवाजा लिया था, एक अंग्रेजों के जमाने की जेल। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। आ जाओ कुणाल इधर से आ जाओ, साइड से हल्का सा कुछ कह भी देगा तो क्या हो गया, बच्चे का मन बह जाएगा। कुछ भी नहीं कहेगा यार, मैं तुम्हें आ जाओ आओ। ओहो क्या कुणाल, महाराष्ट्र का नाम ढो रहा है लड़का। महाराष्ट्र में इतने बड़े कुत्ते जी ना सर, वहाँ बंदे इतने खतरनाक है। मेरे साथ इस समय बड़े सारे बच्चे हैं चैतन्य कुल के, और ये बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन गूगल मीट से, आप ब्लॉग देखने वालों को हाय कह दो। और ये मेरे से बड़े सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ, और ये मेरा घंटा काफी मजेदार बीत रहा है। इनकी परमिशन से मैं इनको ब्लॉग पे लाया हूँ। अब आप बाय कह दो। बाय।